हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे पास आया हुआ है ये एक पिस्टन है, ये बजाज पल्सर 125 सीसी, जो नई मॉडल एक 125 सीसी की एक पल्सर आई है उसका सिलेंडर आया है बोर करने के लिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे इसका, हम आपको पार्ट नंबर भी दिखा दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं DH102523, ठीक है, DH102523। तो ये सिलेंडर किट है बोर करने के लिए आया हुआ है। अब इसमें कौन सी गाड़ी का पिस्टन लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये पिस्टन है, तो इसमें इस नाम से तो कोई पिस्टन अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा, आपके हाथ शायद लग गया हो, ठीक है, मैंने तो अभी तक नहीं पाया। तो इसमें कौन सी गाड़ी का पिस्टन लगेगा सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में पूरी, ठीक है। तो हम चलिए इसको पहले बोर करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी गाड़ी का पिस्टन लगना है इसमें। तो ये हमारा सिलेंडर किट है, हम इसको मशीन में पहले फिट कर देते हैं। और इसका जो पिस्टन का MEM है वो है 56 MEM, ठीक है, 56 MEM का है। तो हम इसको मशीन के अंदर फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद इसका हम करेंगे कटिंग, ठीक है, इस तरीके से नीचे से इसे टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा तब बात समझ में आएगी, क्योंकि इस बार इस गाड़ी में कोई किस गाड़ी का पिस्टन लगेगा, ठीक है, ये पल्सर 125 सीसी का है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पिस्टन लगना है ये जानकारी और बहुत सी जानकारी आपको दूंगा इसी वीडियो में, बेयरिंग का गैप कितना होना चाहिए, पिस्टन ऑटोमेटिक अंदर कितना जाना चाहिए, कार्बन वाला पिस्टन है या कौन सा है, सारी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। कोई 8-9 मिनट का वीडियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप टाइम निकाल करके पूरे अच्छे तरीके से पूरा वीडियो वॉच करें। देखिए, हमने इसका 56 MEM का पिस्टन है, हमने इसका 25 नंबर बोर करने के लिए सेटिंग कर लिया है, जो कि 54-8 है, 54-8, ठीक है, ध्यान रखिएगा 54-8, ठीक है। तो हमने इसको सेट कर लिया है, सेट करने के बाद इसके टूल को हम इस बोरिंग मशीन के एक्सपेंडल के अंदर डालते हैं, उसके बाद इसमें कट लगाते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो और वीडियो को एक लाइक कर दें, अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है। और ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, हमारा ये कटिंग हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, कटिंग होना शुरू हो चुका है। अब इसको कट लगाने के बाद हम इसका करेंगे पॉलिश होनिंग में, ठीक है। और बहुत से भाई हैं जो हमारा नंबर मांग रहे हैं, तो भाई मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक नंबर डाल रखा है, व्हाट्सएप है, उस पर आप करें, ठीक है, +977, ठीक है, उसके बाद जो नंबर है वो नंबर डाल करके आप करेंगे कंट्री कोड के साथ, तो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, कांटेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप पे। बहुत से भाई कांटेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा कट लग चुका है, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम इसकी करेंगे होनिंग, और होनिंग के बाद होनिंग स्टोन कितना बाहर कितना नीचे सारी चीज़ें दिखाऊँगा, बस वीडियो में बने रहें। तो इस तरीके से इसको खोल लेना है, खोलने के बाद, ठीक है, देखिए इस तरीके से इसे होनिंग पर पहले हम रखते हैं। होनिंग पर रखने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कट लग चुकी है 25 नंबर के लिए, देखिए ये होनिंग मशीन में हमने इसे फिट कर लिया है। हमारा जो इसमें स्टोन लगता है 220 नंबर का, वो हमने फिट कर रखा है इसके अंदर। अब ये हमारी जो होनिंग हो रही है 220 नंबर का स्टोन हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, इतना करने के बाद आपको इसमें 400 नंबर का पॉलिश पेपर से जो है पॉलिश भी करना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा एडजस्टिंग, ठीक है, इससे कितना होनिंग ऊपर निकालना है कितना नीचे निकालना है सारी चीज़ें इसी से सेट होती हैं। तो यहाँ से हमने सेट कर लिया, आप देख सकते हैं जितना होनिंग स्टोन हमारा बाहर निकल रहा है ऊपर की तरफ, उतना ही नीचे भी निकल रहा है, ठीक है। तो अब जब लास्ट में हम पॉलिश करेंगे तो थोड़ा सा नीचे वाला बढ़ा देंगे, ताकि नीचे के साइड में थोड़ा सा लूज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए हम इसको निकालते हैं पहले और देखते हैं कि हमारा बोर हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो पहले इतना हम चेक करते हैं। तो देखिए,
बिल्कुल हो चुका है, हमारा बोर हो चुका है। तो हल्का सा अटक अटक के जा रहा है क्योंकि ये कार्बन कोट वाला पिस्टन है, इसलिए अटक रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ पॉलिश कर देना है। जब हम पॉलिश करेंगे तो ये अटकना भी बंद हो जाए, क्योंकि जो मतलब जो स्टोन से होता है वो फिनिशिंग तो होती नहीं है, तो इसलिए जो कार्बन होता है ना वो उसमें अटक जाया करता है। इसकी वजह से लगता है कि पिस्टन टाइट है, लेकिन जब हम पॉलिश करेंगे तो एकदम नॉर्मली अच्छे तरीके से एकदम चलने लगेगा। तो हमने इसमें 400 नंबर का पॉलिश पेपर लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम इसको पॉलिश करेंगे 300 राउंड तक, 300 राउंड पॉलिश करना है। ठीक है, इस प्रकार से कर लें। करने के बाद अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि आप पिस्टन देख सकते हैं, कि पिस्टन जो हम नया हमारे हाथ में है, ये नया वाला पिस्टन किस गाड़ी का है, आप गेस कीजिए किस गाड़ी का। अभी लास्ट में तो आपको हम अभी हम आपको दिखाने वाले हैं किस गाड़ी का है, लेकिन आप खुद से गेस करके बताइए। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा क्या आपको पता था इससे पहले कि इसमें कौन सी गाड़ी का पिस्टन लगता था। ठीक है, अगर आपको पता था तो भी कमेंट करना, अगर नहीं पता था तो भी कमेंट लाजमी करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। तो देखिए हमारा पॉलिश हो रहा है। ठीक है, अब पॉलिश हमारा हो चुका है, इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसकी फिनिशिंग आपको दिखाएंगे। रिंग में कितना गैप है, पिस्टन ऑटोमेटिक कितना अंदर गया है, किस गाड़ी का पिस्टन है, सारी चीज़ें अब दिखाने की बारी आ गई है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, पूरा आईने की तरह चमक रहा है। कि जब फिनिशिंग अच्छी रहेगी तो रिंग नहीं घिसेगा, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इसको एक कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद देखिए ये सिलेंडर किट वही है, आप ध्यान से देख लीजिए, DH 10 25 23। ठीक है, वही सिलेंडर किट है, आपकी तसल्ली के लिए मैंने दिखा दिया ये। ठीक है, तो अब उसमें हम देखिए ऑटोमेटिक हम पिस्टन इस पर अगर रखते हैं तो ऑटोमेटिक पिस्टन कितना अंदर जाता है देख सकते हैं, इतना जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम जो इसमें ऑयल लगाएंगे तो एकदम फ्री चलेगा, स्मूथली अंदर आना जाना शुरू कर देगा। तो पहले इसके रिंग के गैप को हम नाप लेते हैं। ठीक है, एक टॉप वन नापना ज़रूरी है, टॉप टू नापना ज़रूरी है, क्योंकि टॉप वन में थोड़ा ज़्यादा कम गैप रहेगा और टॉप टू में थोड़ा ज़्यादा गैप रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। देखिए हम टॉप वन के रिंग के गैप को नाप लेते हैं, कैसे नापना है आप देखिए, इस तरीके से रखें और गैप देखने की कोशिश करें। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको रिंग की गैप, वीडियो में दिखे या ना दिखे, क्योंकि बहुत ज़रा सा गैप है। ठीक है, तो बराबर दिख तो नहीं रहा है, हल्का सा गैप है, एकदम बाल बराबर। ठीक है, तो शायद नहीं दिख रहा है, वीडियो में दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा कचरा है इसलिए। चलिए टॉप टू को हम चेक करते हैं, टॉप टू का तो दिख जाएगा क्योंकि इसमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही गैप होता है, तो इसका दिख जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए दिख रहा है। ठीक है, तो इतना गैप होना चाहिए इसके अंदर, पिस्टन ऑटोमेटिक इतना अंदर गया। चलिए अब बारी आती है इसमें किस गाड़ी का पिस्टन लगेगा वो बता देता हूँ आपको। इसमें पिस्टन लगेगा वही पल्सर 150 BS4 का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है भाई। ठीक है, आज ही हमने इसका पहली बार बोर किया है और इसका रिंग का हर चीज़ चेक किया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, पल्सर 150 BS4 जो कि 56 mm का पिस्टन होता है, वही पिस्टन इस 125 वाले में लगेगा। फ़र्क क्या दिखा आपको? फ़र्क ये है कि इसमें जो वाल के जो छोटे छोटे घाट बने होते हैं वो घाट फ़र्क दिख रहा है। ठीक है, इसमें अंदर है थोड़ा और इसमें थोड़ा बाहर साइड पे है बस। हालांकि कोई फ़र्क उससे है नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई वाल बैठना तो है नहीं। हम आपको इसकी हाइट चेक करा देते हैं, देखिए। ठीक है, ये एक पुराना वाला 125 का है, नया वाला पल्सर 150 BS4 का है। ठीक है, तो देख लीजिए हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, जितना हाइट ऊपर है उतना नीचे भी, पिस्टन सेम है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें वाल जो है वाल का घाट फर्क बना रखा है, मतलब थोड़ा इसका बीच में रखा है, इसका थोड़ा किनारे पे रखा है, अलग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब